श्री भूपेश बघेल जी, हमारे PCC अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथी नेतागण, मंत्रीगण, पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, मीडिया के हमारे साथी, छायाकार बंधुओं, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि आज हमने आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया। साथियों, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी से, वैसे तो पूरे विपक्ष से, लेकिन कांग्रेस पार्टी से खास तौर किस कदर डर चुकी है। इनकी सरकार, केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार जिस तरह की दमनकारी नीतियों को अपना रहे हैं, विपक्ष की आवाज उठने नहीं देते, चाहे संसद में हो चाहे बाहर हो। संसद में हमारे नेताओं के वक्तव्य को एक्सपंज किया जाता है, ताकि जो इनके साथी हैं, जिन पर असली मायने में रेड होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। राहुल जी पर रेड की, राहुल जी को बुलाया गया क्वेश्चन के लिए, रेड नहीं, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। हमारी नेता सोनिया जी को बुलाया गया, ये किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। और जब राहुल जी ने इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आम लोगों की आवाज उठाने के लिए जब भारत जोड़ो यात्रा की, तो इस यात्रा से तो ये इतना बौखला गए हैं कि ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हमें खुशी है, पूरे छत्तीसगढ़ को खुशी है कि हमारे यहाँ रायपुर में महाधिवेशन होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी। बल्कि मैं बधाई देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के समस्त कांग्रेस जन को, अध्यक्ष जी को, कि आपने सभी को निमंत्रण दिया कि यहाँ पर महाधिवेशन हो, एक ऐतिहासिक महाधिवेशन होने जा रहा है। और शायद इसी बात से भी ये लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। बार बार क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जाता है? अभी अध्यक्ष जी ने बताया 24 बार हमारे ऊपर रेड हुई। क्या हम इन बातों से इनसे दबने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता ना इनसे दबने वाले हैं, और बल्कि और ज्यादा मजबूत होकर इनकी गलत नीतियों के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। आज जरूरत है रेड करने की, जरूरत है रेड करने की अडानी जी जैसे लोगों पर, जिन्होंने दुनिया भर में हमारे देश को नीचा दिखाया। अब देखते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज जो बातें निकाल रही। कांग्रेस पार्टी ने हर रोज सवाल पूछे
14 दिन हो गए, हर रोज 3 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री जी या किसी ने भी सरकार की में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी जवाब दिया? क्या वित्त मंत्री महोदया ने एक भी बात का जवाब दिया? बल्कि सब बातों को ढकने की कोशिश की जा रही है। साथियों, ऐसी दमनकारी सरकार के खिलाफ कांग्रेस जन और मजबूत होकर आगे निकलेंगे, और ये कोई भी हथकंडे जिस बेशर्मी से दुरुपयोग हो रहा है दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया के हमारे साथ, आपकी आवाज को भी दबाया जाता है, या तो उनकी लाइन पर चलिए वरना मीडिया को भी बख्शा नहीं जाएगा। बड़े बड़े हाउसेस से मीडिया हाउस खरीदवा दिए जाते हैं ताकि इन्हीं की आवाज सुनाई दे और आम लोगों की आवाज ना उठे। आज देश की जो दुर्गति हो रही, हमारे समाज की जो बदहाली की जा रही है, साथियों, ये ज्यादा दिन चलने वाली बात नहीं। अभी महाधिवेशन है, उसके बाद चुनाव आ रहा है। ये क्या समझते हैं? क्या हमारे लोग, जनता, इनकी बात को समझ नहीं रही? हम इनकी एक एक बात को बेनकाब करेंगे, कांग्रेस पार्टी आम लोगों की आवाज को दबने नहीं देगी, और ये किसी भी तरह के हथकंडे अपनाएं, हमारी आवाज, आपकी आवाज, लोगों की आवाज कमजोर नहीं होने दे। आज जो हुआ, करीबन आधा दर्जन हमारे साथियों के साथ उन पर ईडी की रेड हुई, और भी कितनों के ऊपर करें, हम पीछे हटने वाले नहीं। राम गोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी, सनी अग्रवाल जी, आरपी सिंह जी, देवेंद्र यादव जी, विनोद तिवारी जी और भी अन्य साथियों की खबर मिल रही, इन पर रेड चल रही। अब ये क्या निकालना चाहते हैं आप समझ सकते हैं? क्योंकि महाधिवेशन हो रहा है, ये सोचते हैं कि क्या इस तरह से बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगड़ने वाला साथी, हम आगे बढ़ रहे हैं। महाधिवेशन बहुत बढ़िया ढंग से हमारा होगा, 15,000 के करीब लोगों को हमने निमंत्रण दिया। महाधिवेशन केवल अधिवेशन नहीं है, महाधिवेशन, और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ किस तरह से पूरे देश को दिखाएगा और इन बातों से पीछे नहीं हटेगा। हम अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़े और खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी करें। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि ये आपको संबोधित करें, क्योंकि इनसे तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कुछ ज़्यादा ही लगाव। बार बार इनके पास आते हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी पसंद है शायद उन्हें, क्योंकि ये भी कभी भी इनके माथे पर भी शिकन नहीं आई। और साथियों, यही होता है राजनीति में, हम और मजबूत होकर निकलते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगी